हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IRCTC के बारे में। जैसा कि आज इसका जो है क्लोजिंग प्राइस 619.50 रुपये है, इसकी हम कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, इसके फाइनेंशियल देखेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी जो है कंपनी के जो MD है रजनी हसी जी, वो कंपनी के बारे में क्या कहते हैं और इन्वेस्टर्स को क्या भरोसा दिलाते हैं, उनके एक कॉमेंट्री को भी हम ज़रूर पढ़ेंगे, जिससे कि इन्वेस्टर्स को पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्राइस देख लेते हैं इसकी। जैसे IRCTC है, आज का इसका प्राइस 619.50 रुपये है, और जैसे इसका अगर हम लास्ट 6 मंथ का देखें तो ये 14% नेगेटिव रिटर्न में है, और अगर हम मैक्सिमम देखें तो अभी तक 297% के रिटर्न दिए हैं, क्योंकि अपने हाई से जो है काफ़ी ज़्यादा ये गिरावट दिखा चुका है। तो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं इसके जो है फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो अब हम आ गए हैं इसके फाइनेंशियल्स पे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है 49,512 करोड़ है, और एंटरप्राइज़ वैल्यू 47,780 करोड़ है, और इसका जो PE है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, 52 का PE है। प्राइस टू बुक भी 0 डेट, मतलब डेट बिल्कुल भी नहीं है। प्रमोटर होल्डिंग 62% की है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी है जो है इसका बहुत बढ़िया है। अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो 62% पब्लिक, जिसमें कि 21% है, DIIs की भी 10% की होल्डिंग है, FIIs की भी 6.53% की होल्डिंग है। कंपनी ने प्रमोटर के प्लेज शेयर एक भी नहीं है, क्योंकि इसमें प्रमोटर भारत सरकार ही है। तो इसके फाइनेंशियल्स तो अच्छे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इसके MD जो हैं रजनी हसीजा के कमेंट्री को, जो कि कौन को Q3 रिज़ल्ट के बाद एक कौन कॉल रिपोर्ट से लिया है मैंने, जिससे कि आपको बहुत ही समझ में आएगा बहुत कुछ। तो अब हम आ गए हैं कमेंट्री के ऊपर, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसके Q4 रिज़ल्ट भी कैसे रहने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि सभी निवेशकों को आपने देखा हो कि हमने अपना अंतरिम लाभांश मतलब डिविडेंड घोषित कर दिया है, जो अब तक का सबसे हाईएस्ट मतलब डिविडेंड था इनका। IRCTC द्वारा घोषित डिविडेंड 3.5 रुपये प्रति शेयर, और यह है शेयर पूंजी का लगभग 175% का डिविडेंड दिया था इन्होंने, जो IRCTC में आपका विश्वास जगाएगा। कंपनी अभी कोविड से बाहर आ गई है और पर्यटन में कई चीज़ें बेहतर हो रही हैं। इनकी व्यावसायिक लाइनें में कुछ बदलाव दिखा रही हैं, इसलिए हमारी इनकी कमाई का जो है पैटर्न भी यही है। लेकिन ये जो है आपको जो है आश्वासन दे रहे हैं, MD जो आपको आश्वासन दे रही है कि कंपनी निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बनी हुई है। देख सकते हैं आप, कंपनी निवेश करने के लिए बहुत ही अच्छा विकल्प बनी हुई है, और साथ ही इस कंपनी पर रिटर्न में भी सुधार हो रहा है, और ये योगदान और हम योगदान करने जा रहे हैं कि ये जो है बेहतर Q4 और पूरे ईयर ऑन ईयर जो है बहुत ही बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। तो इनके कमेंट्री से एक चीज़ समझ में आती है कि ये जो काफ़ी ज़्यादा इनको अपने कंपनी पे जो विश्वास है, और इन्वेस्टर को भी विश्वास दिला रहे हैं कि हमें पे इन्वेस्ट करिए। और जो है कि अभी उनका Q4 रिज़ल्ट आने वाला है 29 मई को, जिससे इस कमेंट्री से उम्मीद लग रही है कि अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा, और ये जो है निवेशकों को अच्छा पैसा बना के देगा। लेकिन एक डिस्क्लेमर है, कोई भी जो है वीडियो देख के आप जो है किसी भी शेयर को बाय मत करिए, अपनी रिसर्च पहले करिए, अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कंसल्ट करिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिए। सिर्फ एक वीडियो देखने से आपको रिसर्च करने की हिम्मत बढ़नी चाहिए, कि फिर आप रिसर्च करके उसके बाद कोई कमेंट्री करिए। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो ऐसे ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।